जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहते हैं कि गुरु जी भगवान का ही रूप है। गुरु जी अपने साथ साथ सारे देवी देवताओं के रूप में भी दर्शन देते हैं। हम जिस रूप में गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी उसी में अपने दर्शन दे देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से समझाया गुरु जी भगवान के रूप में कैसे दर्शन देते हैं, गुरु जी कैसे आंटी जी से बातें करते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, इसमें आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। चैनल के जो ओनर हैं, जो सेवा कर रहे हैं सत्संग को शेयर करने की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ये सेवा कर रहे हैं, और उनको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी को, शुक्राना गुरु जी कि आप मुझे मौका दे रहे हैं। ये आपकी ही रहमत है जो आप बख्श रहे हैं कि शुक्राना सत्संग करने का मौका दे रहे हैं। सो संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग होगा जो गुरु जी की कृपा महिमा और आशीर्वाद से वो अलाउ कर रहे हैं कि मैं अपना तीसरा सत्संग भी शेयर करूं, और ये एक शुक्राना सत्संग होगा ये सभी को बताने के लिए, क्योंकि गुरु जी का ये सभी को आदेश होता है कि जितना हम शेयर करेंगे उनकी महिमा तो संगत को पता चलेगा। मैसेजेस मिलते हैं संगत को दूसरों के सत्संग सुनने से, तो ये गुरु जी को ही किसी को मैसेज दिलवाना होगा, तभी गुरु जी हमें मोटिवेट, हमारे माइंड में थॉट डालते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देते हैं हमारा भला करके, और हमें मौका दे के ऐसा वक्त हमें दे देते हैं कि हम सत्संग रिकॉर्ड कर सकें, सत्संग शेयर कर सकें। तो बहुत ही किस्मत वाले हैं हम कि हमें मौका मिलता है। यही प्रार्थना अरदास है गुरु जी से कि हमें सत्संग करने का मौका, शुक्रिया करने का मौका ज़िंदगी भर देते रहें। ये अमृत वेला का वक्त जब हम सुबह बैठते हैं उस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे लगा यही बेस्ट टाइम है, एक माइंड में आ रहा था कि यही बेस्ट टाइम होगा, गुरु जी हर वक्त साथ होते हैं, इस वक्त और भी ज़्यादा साथ होते हैं, और जो भी उनको बुलवाना है, जो मैसेज दिलवाना है किसी भी संगत को, वो इस सत्संग से गुरु जी दिलवाएंगे। तो मैं उनकी संगत दिल्ली से हूँ और शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी कि ये परसों की ही बात है, 16 तारीख की। तो इसमें ऐसा है कि जो एक 15 तारीख की जो रात थी, तब हमने रात को जलेबी मंगवाई थी खाने के लिए। तो मेरे माइंड में इस तरह से एक थॉट आया, टेलीपैथी हुई कि गुरुजी कह रहे हो कि दो जलेबियाँ मैंने भी चखाई। सो मैंने कहा ठीक है, हमने ऑर्डर किया हुआ था, माइंड में सोच लिया था कि जैसे ही आएगा तो गुरुजी के सामने भी हम भोग लगाएंगे। जब आया तो समहाउ इट स्किप्ड फ्रॉम माय माइंड, बिल्कुल निकल गया मेरे माइंड से। हमने जलेबी खा भी ली और सब बात आई गई हो गई, हम सो गए। अमृत वेला के लिए जब मैं उठती हूँ 16 तारीख की सुबह को, यानी परसों, तब जैसे ही हम अमृत वेला के लिए बैठते हैं, गुरु जी को मैंने प्रार्थना की कि चलो गुरु जी आ जाओ, साथ में बैठो, आ जाइए। और ऐसा ही आभास होता है कि जैसे गुरु जी आते हैं, मेरे पास बैठते हैं और मुझे कहते हैं, मुझे जलेबी नहीं दी ना कल रात को। ओह माय गॉड, आई वाज सो शॉक्ड, क्या कहूँ, मतलब ऐसा रहा कि खुशी हो रही थी कि अरे इतना जवाब मिल रहा है, और बिल्कुल बिलीव हुआ, क्योंकि बिलीव ऐसा हुआ क्योंकि वो मेरे माइंड में तो था नहीं, मैं तो वो बात भूल गई थी। जब मैं गुरुजी को बुलाती हूँ और जब वो आते हैं और तब वो मुझे ये कहते हैं, तो इसका मतलब है कि वही कह रहे हैं, क्योंकि खुद से तो मुझे थॉट पहले तो नहीं आया था, मैं तो अमृत वेला करने के लिए बैठी हुई हूँ,
अरदास करी गुरु जी को कि चलिए आप आ जाइए, अमृत वेला करना है। तो आते ही वो पास में बैठते हैं और कहते हैं कि मुझे जलेबी नहीं दिया। तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ, मैंने माफ़ी मांगी कि अरे माइंड से कैसे निकल गया, इतना सा भी नहीं याद रहता और इतनी बड़ी गलती कर दी, खुद ही खा लिया, गुरु जी को भोग नहीं लगाया। तो मैं तब से ही शुरू हो गई कि मैं अब ऑर्डर करती हूँ अभी, पर उस टाइम पे कोई भी ऑनलाइन एप्स हैं एक्टिवेट नहीं हुए थे ऑर्डरिंग के लिए। तो फिर मैंने वेट किया, 6 बजे मैं कोशिश करना शुरू हुई थी, तो मैंने देखा कि अभी कोई भी ऑर्डर नहीं हो पाया। तो मैंने माइंड में से सोचा, मैंने कहा सोच तो रही हूँ, करना बस हो जाए ये कि मुझे ब्रेकफास्ट में अब गुरु जी को भोग जलेबी का लगाना है। करते करते 10 बज गए, मैंने कहा अब ऑर्डर करना है, कि मैं डाके सारा काम करके चली गई थी और सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो चला था। तो मैंने कहा अब तो 10 बज गए, अब तो सब खुल गया, अब हमें ऑर्डर मुझे ऑर्डर करना चाहिए। जैसे ही मैं ऑर्डर करने लगी, जलेबी के जलेबी मैंने देखा सब गुरु जी ही नहीं करवाया होगा, क्योंकि अब तो सब उनकी मर्जी से हो रहा था। स्पेशली ये जलेबी उनके ब्रेकफास्ट के लिए आ रही थी, ऑफ कोर्स हमें तो मिलना ही था, गुरु जी तो ऐसे हैं कि हमें मौज करवाते ही हैं संगत को, भोग तो हम उनको लगाते हैं, वो स्वीकार करते हैं, पर मौज तो हमारी ही होती है। तो उन्होंने ही ऑर्डर करवाना था, करवाया। जहाँ से उन्होंने, जहाँ मेरा हाथ पड़ा, जिस भी रेस्टोरेंट में, उन्होंने हाथ पड़वाया, उन्होंने ही ऑर्डर करवाया जलेबी। साथ के साथ मेरे से उन्होंने अपने आप ही ब्रेड पकोड़ा एंड साथ में पनीर पकोड़ा ऑर्डर करवाया। अब हम सब जानते ही हैं कि ये एक तरह का प्रसाद भी है गुरु जी के बड़े मंदिर में, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद। तो हमारा पूरा जो ब्रेकफास्ट था वो एक तरह का लंगर प्रसाद ही हो गया, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, जलेबी, चाय प्रसाद, वो साथ साथ गुरु जी ने ऑर्डर करवाया। ओके, तो जब आया, बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट से आया, बहुत ही एक, और जल्दी आ गया। आते ही उसको देख के ही ना, उसके पैकेज को बड़ी पॉजिटिविटी आई कि यार कितना अच्छा है ये, अच्छे से आया है, मतलब अच्छे से पैक्ड, गरम, सुबह का फ्रेश। जब मैं खोलती हूँ, इतना जनरली जलेबी जो है वो साइज़ छोटे ही, एक एवरेज साइज़, स्टैंडर्ड साइज़ की जलेबियाँ होती है, ये तो इतनी बड़ी बड़ी इमरती टाइप की जलेबी, नॉर्मल जलेबी, पर इतना अच्छा डिज़ाइन, इतनी बड़ी बड़ी सारी, इतनी गरम, इतनी अच्छी जलेबी आई। पनीर पकौड़ा इतना अच्छा, सारा ही जो गुरु जी ने ऑर्डर करवाया वो बहुत ही अच्छा। और समहाउ, मतलब हम लोग खाने वाले हैं, हमेशा से खाते ही हैं, दिल्ली में रहते हैं, मतलब कि चाट, स्नैक्स, ये सब कुछ हम लोग रेगुलर ईटर्स हैं, तो हमें पता होता है क्या चीज़ कितनी टेस्टी कैसी रहती है। और मैं तो जब तक ऐसी हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पेशल ना हो, तब तक मुँह से ये नहीं निकलता कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब कुछ रेगुलर लगता है, बट जो प्रसाद बन गया और जो गुरु जी ने खुद ऑर्डर करवाया वो तो टेस्टी होना ही है। चलो जी, मैंने फटाफट भोग तैयार किया, प्लेट लगाई गुरु जी के लिए, सबसे पहले जलेबी रखी उठा के, ऐसा लग रहा है जैसे जो उनकी, जो उन्होंने लेनी थी वही जलेबी मैं दे रही हूँ। ब्रेड पकौड़ा, चाय, प्लेट बनाया, भोग लगाया गुरु जी को। बाद में जब मैं ब्रेकफास्ट करने बैठी, वो नाश्ता इतना टेस्टी था कि मैंने बहुत मन से वो लंगर प्रसाद कह लो कि ब्रेकफास्ट कह लो खाया, बहुत अच्छा लगा। जब मैंने अपने हस्बैंड को सर्व किया, वो जलेबी तितली की शेप में, उन्होंने, मैंने तो देख ही लिया था कि ये देखो तितली की शेप में जलेबी, ऐसी शेप थी उसकी, तितली जैसी। जब मैंने मैंने तो देख ही लिया, पर उधर ना हस्बैंड की नज़र नहीं गई, तो उन्होंने फर्स्ट जैसे बाइट तोड़ा खाने के लिए, मैं उस टाइम बोला, मैंने कहा आपको क्या दिख रहा है, मैंने बोला नहीं कि मुझे क्या दिख रहा है, मैंने कहा आपको क्या दिखा, कहते कैसे, मैंने कहा आपने तोड़ लिया, वो फॉर्म तो ख़राब हो गई। तो उन्होंने वापस वो टुकड़ा रखा जहाँ से उन्होंने तोड़ा था, उन्होंने वापस देखने के लिए कि क्या फॉर्म है, मैंने
कहा बताओ। तो ये तो समझ नहीं आ रहा। मैं कहा बटरफ्लाई का है? तो जब उन्होंने देखा कहते हाँ ये तो बटरफ्लाई की शेप है। बीच का पार्ट भी दिखाया कि देखो ये बॉडी है बटरफ्लाई का, जैसे बॉडी होता है ये वाला, ये दिख रहा है और ये विंग्स है। मैंने कहा हाँ, तो ये पूरी प्रसाद है। मैंने कहा ये गुरुजी ने ही सारा ऑर्डर करवाया। उनको सब बताया, बहुत अच्छा नाश्ता रहा और मुझे हो गया सेटिस्फेक्शन कि चलो गुरुजी, एक तो कल मैंने आपको दिया नहीं उसके लिए क्षमा, और आपने नाश्ता खुद मेरे को याद दिलवाया, उस गिल्ट से निकाला और हमें भी इतना अच्छा नाश्ता करवाया। तो ये खुद गुरुजी ने हमारे गिल्ट निकलवाया, नाश्ता करवाया। उसके बाद उसी दिन दोपहर में कोई आता है, और मैं जैसे दो चार दिन से नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से लड्डू जी गोपाल जी, बाल गोपाल जी के बारे में भी सुनते आ रही हूँ कि जो लोग उनको रखते हैं घर में, जो लोग उनको बहुत सेवा, मतलब उनको भी पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लड्डू जी गोपाल जी को कहीं घर में बंद करके नहीं जाते। मेरी मदर ने मुझे सब बताया था कि उनके कपड़े, मतलब जस्ट लाइक अ किड आपको उनको संभालना होता है। तो मैं बड़ी फैसिनेटेड थी ये सब सुन के। यूट्यूब पे भी कोई कृष्ण भक्त है वो कैसे ध्यान रखती है, मैं वो वीडियोस देखती रहती थी। मैंने कहा हम हमारी तो इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, मतलब हम लोग इतने डिसिप्लिन कहाँ हो सकते कि हम लड्डू जी गोपाल जी को रखें और उनका ध्यान रखें। मैंने कहा हम तो, पर देख के अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी रहती कि अरे साथ में हर वक्त लड्डू जी गोपाल जी हैं। तो उसी दिन पता नहीं शायद मेरा मन जुड़ गया होगा या कुछ भी, लड्डू जी गोपाल जी हमारे घर आते हैं किसी के थ्रू। कोई कहीं जा रहा था हमारे नून में और लड्डू गोपाल जी को वो साथ में नहीं ले जा सकते थे, तो कहते हैं कि हम इनको घर में बंद नहीं रखेंगे, आप इनको रखो कल ले लेंगे। तो मैंने कहा ये तो हम गुरुजी वाले हैं, अब जब गुरुजी वाले हो जाते तब कोई भी इस तरह का संकेत आता है तो हम उसको यही मानते हैं कि गुरुजी ही लेकर आए हैं। तो गुरुजी तो सब भगवानों को साथ में लेकर आते हैं। पहले भी मैंने अपने सत्संग में शेयर किया कि दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी जी को साथ में लेकर आए थे, पैरों की छाप दिखाई थी रंगोली में, उसके बाद गुरु जी के चंदन के तिलक में गणेश जी के दर्शन, और अब लड्डू जी जो आ रहे हैं। एक हमारी होती थी ना कि मेरे मन की जो एक था, मैं बड़ी फैसिनेटेड थी कि लड्डू गोपाल जी, तो लड्डू गोपाल जी आ गए, मेरा वो भी इच्छा पूरी कर दी कि चलो तुम भी रख के देख लो मुझे। तो आए एक रात के लिए, मुझे बड़ी खुशी। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी आप आए हो, आपके साथ साथ लड्डू जी भी आए, या आप ही के दर्शन है, जो सेवा हो सकी हम तो क्या ही कर सकते हैं। पर लड्डू जी गोपाल जी के साथ हमने वो एक रात जो बिताई, बहुत आनंद आया। तो ये जो, ये भी हम गुरु जी का ही चमत्कार मानते हैं कि वो हमारे घर में विराजमान हैं तो वो सब ऐसा अच्छा करते हैं। उसी दोपहर को जब लड्डू जी आए थे और बैठे हुए थे, लाइट चली गई थी घर में। मैं थोड़ा सा अपसेट थी कि तो लड्डू जी आप पहली बार आए हैं, लाइट चली गई। मैं अरदास कर रही थी गुरु जी को लाइट आ जाए घर में, आप मेहमान कह लो या कुछ भी कह लो, लड्डू जी गोपाल जी छोटे बच्चे हैं, डर ना जाए लाइट चली गई है। और अच्छा नहीं लगता कि घर में आ जाए और लाइट ना हो। तो मैं किचन में चाय प्रसाद, चाय बनाने के लिए चली गई। आई डोंट रिमेम्बर वो प्रसाद था या नहीं, चाय बनाने के लिए। एंड गुरु जी टेलीपैथी करते हंसते हुए मुझे कि 5 मिनट में लेकर आता हूँ लाइट। अभी 2 मिनट्स भी पूरे नहीं हुए थे कि लाइट आ गई, तो मेरे चेहरे पे तो मुस्कान ही थी बस, क्योंकि इतना ज़्यादा, क्योंकि जब हम घर में सिर्फ हम होते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, उस टाइम पे गुरुजी जब ऐसा ऐसा साथ देते तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं। मेरे हस्बैंड के आने पर आई वॉज स्माइलिंग। तो मैंने कहते मुझे, मेरे हस्बैंड ने कुछ कहा कि सॉरी मैं लेट हो गया, ऐसा कुछ भी। मैंने कहा डोंट वरी, मैं अकेले नहीं हूँ। सो ये गुरुजी हर वक्त साथ में हैं, सुनते हैं सब, खुश होते हैं हमारे लिए, परेशान होते हैं हमारे लिए, सब कुछ कर रहे होते हैं।
विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें उनसे बांधे रखेगी, और प्रार्थना प्रार्थना करते रहना है हमें, क्योंकि हम तो बहुत गलत गलत सोचते करते एक्शन वाइज होते हैं ना, तो वही हमें संभालें, वही हमारा हाथ पकड़े। हम तो क्या ही किसी का हाथ पकड़ने के लायक नहीं, और सभी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखें, हमें ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएं अच्छे अच्छे खुशी से कि हम बस शुक्राना करते करते थक जाएं, और शुक्राना सत्संग हमारे होते ही रहे, और सब पर मेहर बनी रहे, सबका अच्छा करें, सबके साथ रहें, हमारा साथ कभी ना छोड़ें, हमारी गलतियों को माफ़ करें, हमारे साथ रहें हमेशा। गुरु जी कुछ भी रह गया हो या कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करो, अभी भी माइंड में डाल लो कोई थॉट अगर कुछ रह गया है तो, और हमारे से हमेशा खुश रहना। हम तो गलती के पुतले हैं, पर आप दया का सागर हो, हमारी भूलों को बख्श देना और हमें आशीर्वाद देते रहना, साथ में रहना हमेशा हमारे, हमें गलतियाँ करने से बचाना, सबका भला करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और यही अरदास करूंगी कि मुझे सत्संग करने का मौका मिलता ही रहे, खुश ही रहे हम लोग हमेशा, सभी संगत और सब सब संगत को मौका मिले शुक्राना सत्संग करने का, मैसेजेस देने का एक दूसरे को, ताकि सब लोग समझ सके, नई संगत हो या कोई भी, लोगों को मैसेजेस मिलने हो मिले हमारे सत्संग के थ्रू। शुक्राना सत्संग करना एक ब्लेसिंग है, और ये ब्लेसिंग हमें मिलती रहे, सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। जय गुरु जी। मौका देते रहना शुक्राना सत्संग करने का, आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो भी आपने हमारे लिए आप करते आ रहे हो उसके लिए बहुत शुक्राना। वी लव यू, आई लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा से और संगत से माफ़ी चाहती हूँ। हम तो गलती के पुतले ही हैं, बट बस मन से कोशिश यही है कि गलतियाँ ना करें। वो कोशिश ही जब हमारे गुरुपा को दिखती है तो वही हमारी हेल्प करना शुरू हो जाते हैं, उसी में मेहर कर देते हैं। हमें बस कोशिश जेन्युइनली करते रहना चाहिए। सबको आशीर्वाद मिले गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि पहले गुरु जी ने आपको लक्ष्मी जी के रूप में दर्शन दिए थे, और अब लड्डू गोपाल जी के रूप में दर्शन दिए, और आपने ये भी बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी आपसे कैसे बातें करते हैं, कैसे आपको आंसर्स देते हैं। हम भी जिस भगवान के रूप में गुरु जी को देखना चाहते हैं, गुरु जी उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। गुरु जी हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, बस गुरु जी से अरदास करने तक की देरी होती है। गुरु जी का पूरा दिन मंत्र जाप करने की देरी होती है, गुरु जी के सत्संग सुनने होते हैं, सुखमनी साहिब सुननी होती है, किसी भी तरीके से गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना होता है। जैसे ही हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, गुरु जी हमारे पल पल साथ रहना शुरू कर देते हैं, और हमेशा फील भी कराते हैं, जैसे आंटी जी को हमेशा गुरु जी फील कराते हैं, आंसर्स देते हैं। तो हमें भी अगर ऐसे ही गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, गुरु जी से बातें करनी है, गुरु जी के साथ पल पल रहना है, तो हमें भी गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि गुरु जी भी हमारे साथ हमेशा रहें, पल पल रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।